हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ मयंग श्रीवास्तव आई एम फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन अम्बालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी विच इज़ एफिलेटेड विथ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर है मटेरियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पे जिसका कोड है के एम ई थ्री जीरो थ्री तो इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है जो बच्चों को ज़्यादा पता होना चाहिए कि किस पे कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करना है कौन सा मटेरियल कैसे बिहेव करता है किस मटेरियल पे कितना लोड लगाते हैं तो उसका क्या बिहेवियर होता है ये सारी चीज़ें आपने टेंथ और इंटरमीडिएट uh, में भी पढ़ा होगा तो बेसिकली हम शुरुआत करते हैं कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें जो आपको पढ़ना है उसमें जो बेसिक टर्म्स होता है कि उसका क्या यूज होता है जैसे आपने देखा होगा यूनिवर्स है अपना तो अपने यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सब मटेरियल्स हैं और बेसिकली अपना यूनिवर्स जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है पहला होता है आपका मैटर और दूसरा होता है आपका एनर्जी तो मैटर में क्या होता है आपका कि मैटर इज बेसिकली डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स दैट इज़ आपका सॉलिड लिक्विड एंड गैस सेकेंड होता है एनर्जी अब एनर्जी मैटर होती क्या चीज़ें मैटर मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल जिन चीज़ों से मिलकर के बना होता है या जिन एटम से मिलकर के बना होता है उन्हें आप मैटर बोलते हैं ठीक है जैसे आपका मान लीजिए ये जो जो मार्कर लिए हुए हैं इसका भी कुछ ना कुछ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होगा कुछ ना कुछ ग्रेन स्ट्रक्चर होगा तो इनमें भी ये भी किसी भी चीज़ से मिल करके ही बना हुआ है ठीक है अब जिस चीज़ से जैसे मान लीजिए इसमें प्लास्टिक है और भी पॉलीमर्स मिल करके बने होंगे तो इसका अपना एक डेफिनेट ग्रेन स्ट्रक्चर होगा तो जिस चीज़ से ये मिल करके बना होगा या इसकी जैसी बॉन्डिंग होगी तो उसके ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि ये क्या सेप गेन करेगा कैसे बिहेव करेगा कितने लोड पे ब्रेक करेगा तो आज का टॉपिक यही है इस पर ही हमको बेसिक बात करना है ठीक है अब नेक्स्ट है होता है एनर्जी अब अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो अप्लाई करते हैं मैटर पे जैसे कि उसका सेप चेंज करना है या डिफॉर्मेशन कौन सा कौन से एनर्जी पे क्या डिफ़ॉर्मेशन होगा अब जैसे एनर्जी की बात करें तो आप थर्मल एनर्जी यूज करते हैं केमिकल एनर्जी भी आती है उसमें स्टैटिक uh, लोड भी आता है डायनमिक एनर्जी भी आती है तो ये जितने भी टाइप्स के एनर्जीज़ हैं वो अपना बिहेव देते हैं मटेरियल पे या इम्पैक्ट देते हैं मटेरियल्स पे और उसके इम्पैक्ट के कारण जो भी डिफॉर्मेशन होना है वही आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे कि आपका तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है मैटर तो मैटर में पहला होता है सॉलिड अब उसको सॉलिड क्यों कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सोच सकते हैं कि उसको सॉलिड क्यों कहा जाता है या सॉलिड और लिक्विड में क्या ऐसा चीज़ हो जाता है कि डिफरेंस आ जाता है या सॉलिड लिक्विड और गैस में क्या अंतर होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पता सबको होता है लेकिन एक्चुअली उसके बारे में क्या टेक्निकल आस्पेक्ट छिपे हुए हैं आपको ये सब्जेक्ट बताएगा ठीक है अब जैसे सॉलिड किसको कहते हैं अगर मोलिकुलर स्ट्रक्चर या उनकी एटॉमिक बॉन्डिंग बहुत पास पास हैं मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज पैकिंग में हैं तो उस केस में आपका जो भी मैटर या जो भी मटेरियल होगा उसे आप सॉलिड कहेंगे सेकंड में अगर सेकंड टर्म में अगर डिस्कस करते हैं हम लोग लिक्विड लिक्विड के केस में क्या होता है आपका मटेरियल जो होता है या उनकी एटॉमिक या मोलिकुलर बॉन्डिंग जो होती है वो काफ़ी दूर दूर होती हैं मतलब इतना पास एटॉमिक पैकिंग नहीं होती है तो जो जब दूर दूर होती हैं इन आस्पेक्ट टू सॉलिड तो उसको आप क्या कहते हैं लिक्विड वो कैरेक्टराइज या वो सेगमेंट आपका लिक्विड में आ जाता है थर्ड होता है आपका गैस अब आप गैस में क्या होता है जैसे सॉलिड में काफ़ी पास पास वेरी क्लोजली टाइट होते हैं तो वो सॉलिड होता है लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं तो उसे लिक्विड कहते हैं और गैस के केस में जो मॉलिकुलर पैकिंग होती है वो इनके कंप्रीजन में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं तो उनको आप कहते हैं गैसियस सबस्टेंसेस ठीक है इनके ऊपर जो भी एनर्जी लगाते हैं उसके कारण जो भी डिफॉर्मेशन आता है वही सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है अगर यूनिवर्स की बात करें तो फॉर uh, एग्जांपल और भी चीज़ें हम ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका सी है सी इन द सेंस समुद्र है अब समुद्र में पानी है पानी बह रहा है क्यों बह रहा है अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि पानी क्यों बहता है तो वो उसके पीछे भी आस्पेक्ट है उसके पीछे भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इस टॉपिक में या इस सब्जेक्ट में आपको डिस्कस करना है तो उसमें क्या होता है लिक्विड है अब लिक्विड फ्लूड क्यों फ्लो करता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें क्या होता है जो भी पैकिंग होती है जो भी उसका सब्सटेंस के मोलिकुलर होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं जिसके कारण क्या होता है वो सॉरी वो काफ़ी दूर दूर होते हैं जिसके कारण उसमें फ्लूड की प्रॉपर्टीज जा आ जाती हैं और वो फ्लो करता है सेकेंड टर्म में अगर हम देखें सो so, सॉलिड का एग्जांपल अगर आप लेते हैं मान लीजिए अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में आपने देखा होगा काफ़ी कंडेंस होता है काफ़ी डेंस uh, होता है तो उस केस में क्या होता है प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसकी अर्थ की उसके जो मॉलिक्यूलर होते हैं उनकी पैकिंग जो होती है वो बहुत ही पास पास होता है जिसके कारण उनकी डेंस क्वालिटी हो जाती है और उसे हम सॉलिड करेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं ठीक है लास्ट होता है गैसियस फॉर एग्जांपल गैस का अगर लेते हैं अब गैस में क्या होता है गैस में भी उसकी प्रॉपर्टीज़ के कारण ही उसको गैस के करैक्टराइज में रखा गया जैसे गैस में क्या होता है जो भी मोलिक्यूल होते हैं वो काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं उनकी बॉन्डिंग नहीं होती है वो काफ़ी दूर दूर होते हैं जिसके कारण क्या होता है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज जा आ जा जाती है जिसे आप गैसियस प्रॉपर्टीज़ कहते हैं ठीक है जैसे एयर है एयर फ्लो करती है अब उसकी एक प्रॉपर्टीज आपको दिखती भी नहीं है अगर आप सोचो क्यों नहीं दिखती है तो उस जब इस सब्जेक्ट में और डीप में जाएंगे तो उसके बारे में आगे हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता है आपको पता होता है बाई नेम या उसके टेक्निकल एस्पेक्ट आपको नहीं पता होते हैं तो ये सब्जेक्ट पढ़ने से या इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसको इंजीनियरिंग में कैसे यूज कर सकते हैं बेसिकली क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है अगर इंजीनियरिंग के केस में हम लोग देखें तो हमको मटेरियल सेलेक्सन करना होता है इसीलिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है मटेरियल इंजीनियरिंग अब मटेरियल कौन सा सेलेक्ट करना है किस मटेरियल की क्या बिहेवियर होगी कितना लोड डालेंगे किस लोड पे वो फ्रैक्चर करेगा किस लोड पे उसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो ये सारी चीज़ें जब आप पता आपको पता होंगी तभी तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं एजे इंजीनियर अगर आप एज ए इंजीनियर किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट करना है या फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि आप अपनी खुद की बी करने के बाद मान लीजिए आप या आपकी टेक्निकल डिग्री कम्प्लीट करने के बाद मान लीजिए आपको अपना खुद का एक कोई भी कंपनी uh, इस्टैब्लिश करनी है तो आप किस बेस पे इस्टेब्लिश करेंगे सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी कि हमको मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए अब मटेरियल के नॉलेज में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको ये सब्जेक्ट बताएगा तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं कि अगर मान लो आपको एक पेन बनाना है या इसकी कंपनी आपको डेवलप करनी है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए सो थोड़ा सा अगर हम कहें आप उसको सोचें तो आप बता सकते हैं कि क्या होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको पेन डेवलप करना है तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है आपका आपकी नीड पता होनी चाहिए जो कि आपको पता है पेन अब किस मटेरियल का बना है अब आपको जैसे हमने बताया था कि सी है या वाटर है वाटर का तो बना नहीं देंगे क्यों क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ चेंजेज होते हैं उसके कारण हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं अब हमको सॉलिड लेना है अब सॉलिड में इतना कंडेंस नहीं लेना है कि उसका वेट इतना ज़्यादा हो जाए तो अगर जब अभी आपको हम मैटर पढ़ाए तो उसमें एक टर्म ये भी आया था सॉलिड लिक्विड गैस में कि अगर कोई कह आप ये भी क्वेश्चन कह है सकते हैं कि सर सेमी लिक्विड भी होता है जैसे ग्रीस तो नो no डाउट होता है सेमी लिक्विड भी होता है सेमी लिक्विड में क्या होता है कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ वो अपने अंदर समाहित किए हुए होता है लिए हुए होता है जैसे सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ तो वो सेमी लिक्विड हो गया जैसे ग्रीस है आपका इंडस्ट्रियल यूज़ में होता है बियरिंग्स में लगाते हैं तो वहाँ सेमी लिक्विड होता है ठीक है तो हम आपकी बात कर रहे थे कि आपको मान लो पेन डेवलप करना है अब पेन डेवलप करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे कितनी मैन पावर लगे है हमारे पास किन क्योंकि इस सब्जेक्ट में अगर आपको एज अ एक्चुअल यूज करना है इस सब्जेक्ट का इंडस्ट्री में क्योंकि ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा फ्यूचर में हेल्प करता है आपकी इंडस्ट्री में और आज के अगर कंडीशन देखा जाए इसमें जो भी इतना ज़्यादा अपडेटेड uh, हो गया है तो इस समय तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो मटेरियल इंजीनियरिंग में आप रिसर्च हो रहा है बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्टेड है ये इसमें क्या है आपका जैसे आप देखो मेडिकल साइंस में इस सब्जेक्ट का आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मेडिकल साइंस में भी अगर बात करें फ़ॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल हार्ट की बात करें तो आप देखो अगर आर्टिफिशियल हार्ट तक आ चुका है मार्केट में अब उसका यूज करना है या मेडिकल साइंस उसका यूज कर रही है तो किस बिहाफ पे कर रही होगी सबसे पहले उस जिस चीज़ का वो बना होगा उसकी स्पेसिफिक कंडीशन या उसकी प्रॉपर्टीज़ तो पता होनी चाहिए ना आपको तो उसको पहले जनरेट करना होगा या उसके बारे में नॉलेज आपको इकट्ठा करना पड़ेगा तब आप जानोगे कि हाँ वो कहाँ पर यूज कर रहे हैं या कोई भी मटेरियल आपने सेलेक्ट कर लिया अब आपको पता नहीं है कितने लोड पर फेल हो जाएगा आपने पता लगा उसको सेलेक्ट करा और उसके बाद उसमें वर्किंग शुरू करी या प्रोसेस शुरू करा और कुछ समय बाद वो फेलियर हो गया तो सडन फेलियर के कारण आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे लॉस आएगा या आपका मार्केट में जो भी आपकी इमेज है वो खराब होगी या आपने मान लीजिए बना भी दिया और आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं ध्यान दिया एक टर्म होता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है कोई भी मटेरियल बनाने से पहले जो जो चीजें आपको करना होता है हम वन बाई वन वही चीजें बता रहे हैं सबसे पहला स्टेप होता है आपका डिजाइन डिजाइन में क्या करना होता है कि कैसे कैसे आप उसकी डिजाइनिंग करेंगे आप डिजाइनिंग के बाद अभी हम आपको आगे भी इसके बारे में ब्रीफ में बताएंगे कि एक इंजीनियर को कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे वर्क करना चाहिए इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे इससे पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं तो अब जैसे आपका मेडिकल साइंस की बात कर रहे थे तो उसमें अब आप आज के डेट में देखिए आर्टिफिशियल आर्म्स आ गए हैं वर्किंग कंडीशन पे आ गए हैं मतलब कि ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट वर्किंग कंडीशन पे कैसे काम करेंगी उसके लिए आज की डेट में अपडेटेड सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं जैसे सिमलेटर्स यूज करते हैं या सिमुलसन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या एक सॉफ़्टवेयर होता है आपका हाइपर जिसमें फाइनाइट एलिमेंट मैथड यूज़ करते हैं या उसके ग्रेन स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं क्यों क्योंकि कोई भी चीज़ यूनिवर्स में अगर है तो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ग्रेन स्ट्रक्चर अपनी प्रॉपर्टीज़ के कारण ही है ठीक है तो अब ग्रेन स्ट्रक्चर पे जब आप बात करते हैं मान लीजिए को, कोई भी चीज़ आपने डेवलप करी अब उसमें कहाँ पे फेल्योर आएगा ये इसके बारे में सब्जेक्ट में हमको डिस्कस करना है फेल्योर किस किस सेंस में आता है या कितने लोड पे आता है अब एक टर्म होता है रेशियो अगर आपको पता होगा फॉर एग्जांपल प्रोटोटाइप मॉडल भी इसमें बनाते हैं हम पहले ही सॉफ्टवेयर पे सारी चीज़ें डेवलप करते हैं और उसके बाद उसको एनालाइज़ करते हैं और उसके बाद उसकी वर्किंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जब आता है तो जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है उसकी डिजाइनिंग आपको पता होनी चाहिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पता होनी चाहिए उसकी एनालिसिस पता होनी चाहिए कितने साल तक ड्यूरेबल रहेगा कितने साल तक चलेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है तो यही सारी चीज़ें हमको इस सब्जेक्ट में डिस्कस करनी है तो सबसे पहले हम आते हैं आपके टॉपिक पे ये हमारा आज के टॉपिक का कंटेंट है जो कि आपके स्क्रीन पे है जैसे दैट इज़ स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस देखिए कोई भी एक्सटर्नल लोड अगर किसी भी मटेरियल पे लग रहा है तो उसको डिफॉर्म करेगा तो जो एक्सटर्नल लोड किसी मटेरियल पे लगता है उसे आप स्ट्रेस कहते हैं ठीक है ये अभी आगे हम वन बाय वन इसकी डेफिनेशन भी बता देंगे कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं फिर सेकंड है आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अब अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं क्यों क्योंकि एक तरह के तो लोडिंग होती नहीं या एक एक तरह का इम्पैक्ट या एक तरह का फोर्स तो लगता ही नहीं है तो जितने टाइप्स के होते हैं उसमें आपका जैसे होता है कंप्रेसिव होता है टेंसाइल होता है आपका टोर्सन होता है सीयर स्ट्रेस होता है जितने भी स्ट्रेस किसी भी बॉडी पे लगेगा उसके कारण स्ट्रेन डेवलप होती है ठीक है ये जो आपको अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बताया जैसे हमने आपको बताया कंप्रेशन बताया टेंसाइल बताया टॉर्जन बताया सीअर बताया तो ये जो भी स्ट्रेस लग रहे हैं इनके कारण इनके इम्पैक्ट के कारण ये एक्सटर्नल स्ट्रेस जो भी आ रही हैं इनके इम्पैक्ट के कारण जो इंटरनल एनर्जी डेवलप होती है उसे आप क्या कहते हैं स्ट्रेन जो आपका थर्ड टॉपिक है आपका स्ट्रेन अभी वन बाय वन इसको आगे भी डिस्कस करता हूं मैं तो उसके बाद स्ट्रेन आपको समझ में आया स्ट्रेन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल जैसे ये पेन है अब हमने क्या करा है? इधर से इस पर प्रेशर दिया जैसे ही हमने इन दोनों साइड से इसके पे एक्सीयल लोड दिया या एक्सीयल फोर्स दिया तो इसका कही कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन होगा तो वो डिफॉर्मेशन कहाँ होगा वो डिफॉर्मेशन किस चीज़ के कारण होगा इसके एटोमिक स्ट्रक्चर या ग्रेन स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इस सब्जेक्ट में कवर करना है हमें ठीक है फिर नेक्स्ट आता है जो जो चीज़ें आपने इसमें जैसे आपने जो भी फोर्स दिया उसके कारण कुछ ना कुछ स्ट्रेन या कुछ ना कुछ, कुछ रेजिस्टेंस डेवलप होगा जो कि इसको अपने ओरिजिनल सेप या साइज में लेने की कोशिश करता है ठीक है तो जब इसको ओरिजिनल अपने सेप और साइज में लेने की कोशिश करेगा उसके कारण जो भी एनर्जी डेवलप होती है उसे आप क्या कहते हैं स्ट्रेन ठीक है तो स्ट्रेन हो गया अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेन आगे हम डिस्कस करते हैं कि जितने टाइप के स्ट्रेस होंगे उसके कारण जो जो आपकी एनर्जी या इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगी उसे आप क्या कहेंगे स्ट्रेन तो ओवरऑल जैसे कंप्रेसिव अगर आप बात करते हैं कंप्रेसिव की तो कंप्रेसिव अगर स्ट्रेस है तो कंप्रेसिव स्ट्रेन भी आ जाएगी इसी तरह टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेन तो ये सारी चीज़ें आती हैं अब कहाँ कहाँ आती हैं लॉन्गीट्यूडनल आती हैं या डिफॉर्मेशन लॉन्गीट्यूडनल होगा मतलब लंबाई में होगा या चौड़ाई में होगा अगर कंप्रेसिव करेंगे तो चौड़ाई में होगा लॉन्गिट्यूडनल होगा या लेटरल होगा या वॉल्यूमेट्रिक होगा वॉल्यूमेट्रिक मतलब पूरे वॉल्यूम में होगा तो ये वन बाई वन आगे डिस्कस करते हैं ठीक है तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात हो गई अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में काम करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है या एज ए इंजीनियर मान लो आप एज ए इंजीनियर किसी कंपनी में डिप्यूट होते हो ठीक है अब वहाँ आप गए बियरिंग्स आपको मिली अब बियरिंग्स आपने बियरिंग्स पे वर्क करा या आपके नीचे का ऑपरेटर है या उसने कहा कि सर ये बियरिंग्स टूट गई है इसका क्या करें तो आप कैसे टूटी कितने लोड पे टूटी अगर ये आपको पता होगा या क्या क्या वाइब्रेशन थे ऐसा तो नहीं कि जिस जगह पे लगा था वहाँ वाइब्रेशन था अगर वाइब्रेशन होगा तब भी जल्दी टूटेगा तो एक इंजीनियर को बेसिक प्रॉपर्टीज़ उसकी पता होनी चाहिए अब बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं जैसे इलास्टिसिटी होती है इलास्टिसिटी क्या होती है इलास्टिसिटी में क्या होता है कि कोई भी अगर कोई भी मटेरियल है उसमें आप अगर लोड लगा रहे हैं अगर आपने उसमें लोड लगाया और लोड लगाने के बाद वो अपना सेप और साइज़ रिगेन कर लेता है अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाता है तो उसे आप कहते हैं इलास्टिसिटी ठीक है नेक्स्ट होता है प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी के केस में क्या होता है इलास्टिसिटी में जैसे मान लीजिए इस पर लोड लगाया और उसके बाद इसमें हमने छोड़ दिया जैसे ही लोड लगाने के बाद छोड़ा तो ये क्या हुआ अपनी रो पोजिशन को रिगेन कर लिया तो ये इलास्टिकसिटी हो गई या इलास्टिसिटी क्वालिटी हो गई उस मटेरियल की अब प्लास्टिसिटी की बात करें तो प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि अब हमने इसमें लोड लगाया और लोड लगाने के बाद क्या होगा एक परमानेंट एलोगेसन या परमानेंट डिफ़ॉर्मेशन हो गया वो डिफॉर्मेशन जो अब कभी भी अपनी रिगेन शेप में या साइज़ में नहीं ला सकता है जैसे इलास्टिसिटी में आप Uh, कोई भी सेप में को इलास्टिटी अगर देखा जाए ये सारी चीज़ें जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनकी क्वालिटीज़ भी होती हैं और रेमिडीज़ इनके डिफेक्ट्स भी होते हैं अब क्वालिटीज़ के केस में देखा जाए अगर इलास्टिसिटी अब आप सोचो अगर इसको मान लो हमने स्ट्रेच करा एज ए स्प्रिंग अगर बात करें हमने इस पर फोर्स लगाया और ये स्ट्रेच हो गया स्ट्रेच होने के बाद इसने अपना वर्क करा फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो इसका कहाँ यूज होता है ऑटोमोबाइल में ऑटोमोबाइल में कहाँ पर जैसे कॉइल स्प्रिंग हो गई या लीफ स्प्रिंग हो गई तो कॉयल स्प्रिंग में भी क्या होता है जहाँ पर जैसे सॉक एब्जॉर्वर है सॉक एब्जॉर्वर के ऊपर एक आपने अपने सॉकरस के ऊपर देखा होगा एक स्प्रिंग लगी होती है तो वो स्प्रिंग क्या कैसे वर्क करती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये होता है कि जब बम्प्स आते हैं जैसे रोड पे गाड़ी चल रही है और बम्प्स आए बम्पस आने पे क्या होगा स्प्रिंग अपनी पोजीशन को लूज़ करके कंप्रेस हो जाएगी जैसे ही कंप्रेस हुई तो उसने शॉक को एब्ज़ॉर्व कर लिया जैसे ही शॉक को ऐब्जॉर्व करा तो क्या हुआ जो भी पैसेंजर उस पर बैठे हैं उनको कम्फर्ट फील हुआ ऊपर से सेकेंड टर्म्स में देखा जाए तो मकैनिकल डैमेज़ नहीं होंगे क्यों क्योंकि जो फ्रेम होता है ये क्यों लगाते हैं क्योंकि जहाँ फ्रेम लगा होता है और बॉडी का जहाँ फ्रेम होता है एक्सल होता है उनके बीच में आपने लगाया अब उसके बाद उसमें जब भी प्रेशर लगेगा तो वो अपनी पोजीशन वो शौक को ऐबजॉर्व करा अगर यही शौक को ऐब्जॉर्व नहीं करता है तो उस केस में क्या होगा आपका फेल्योर होगा अगर आप देखो ओवरलोडिंग के केस में आपने अगर देखा होगा ओवरलोडिंग के केस में वहाँ पर फेल्योर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आपने देखा होगा रोड पर ट्रक चल रहे हैं एक्सल टूट गया तो एक्सल क्यों टूटता है दो तरह के एक्सल होते हैं एक फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल फ्रंट एक्सल को भी सब डिवाइड करा गया एक होता है लाइव एक्सल और एक होता है डेड एक्सल लाइव एक्सल में क्या होता है सस्पेंशन सिस्टम होता है और डेड एक्सल क्या होता है बिल्कुल एक साफ़्ट होती है जैसे बच्चों का खिलौना अगर आप देखो तो वो सिंपल एक साफ्ट होती है ठीक है अब उसमें अगर आप या डेड एक्सल वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पर लोड ज़्यादा नहीं आता है तो अब डेड एक्सल में क्या हुआ अगर आपने कॉइल स्प्रिंग नहीं लगाई हम आपको अभी आपको इलास्टिसिटी समझा रहे हैं अगर आपने कॉइल स्प्रिंग नहीं लगाई तो उस केस में क्या होगा लोड आया इम्पैक्ट आया तो क्या होगा सडन ब्रेकिंग होगी या थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद उसमें ब्रेकिंग होगी या कहीं ना कहीं आपका मैकेनिकल डैमेज होगा तो उस चीज़ को बचाने के लिए आप क्या करते हैं प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा मटेरियल लगाएंगे जो कि सॉक एब्जॉर्वर की तरह काम करेगा या उसका बिहेवियर सॉकिंग एब्जॉर्विंग की तरह होगा या वो ऐसा वर्क करेगा जो कि मैकेनिकल डैमेज से उसको रोकेगा ठीक है तो ये टर्म हो गया आपका इलास्टिसिटी अब प्लास्टिक सिटी की बात करते हैं तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है इसी में आगे आपको डिस्कस भी करेंगे आपको एक एक चीज बताएंगे भी तो प्लास्टिक सिटी में क्या होता है प्लास्टिसिटी के के केस में क्या होता है आपका डिफॉर्मेशन परमानेंट होता है इलास्टिसिटी में परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है वो अपनी रिगेन करता है सेब को प्लास्टिसिटी में डिफॉर्मेशन परमानेंट होता है मतलब एक बार चीज डिफॉर्म हो गई तो वो वापस अपनी पोजीशन या अपने सेब पे नहीं आती है और इसमें क्या होता है डक्टिलिटी ये सारी प्रॉपर्टीज हैं अब डक्टिविटी क्या होती है किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस दो या फोर्स दो खींचो कि वो क्या करे एक वायर के फॉर्म में चेंज हो जाए आप सोचो कितनी अच्छी क्वालिटी है अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो आप जैसे गोल्ड है आप सोचो एक ग्राम गोल्ड या थोड़ा सा ज़्यादा अगर बात करें दस ग्राम गोल्ड या सौ ग्राम गोल्ड अगर आप खींचो हो सकता है एक किलोमीटर तक खींच जाए जा वायर तो ये कितनी अच्छी क्वालिटी है आप देखिए आप जाते हैं जा, ज्वेलर्स की दुकान में आप कहते हैं हमको कोई ऐसी चीज़ दिखाइए जो कि भड़कीली हो या देखने में बड़ी हो तो उस केस में क्या होता है गोल्ड आप सेलेक्ट करते हो लाइट इन वेट होता है तो ये क्वालिटीज़ कहाँ से आ रही हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आ रही है इसके मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो ये इसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज़ होती है और इसी जगह अगर हम बात करें चौक अगर उसको आप खींचोगे तो टूट जाएगा ना भाई अगर आप चौक आपको बोले हम खींचो तो क्या होगा टूट जाएगा क्यों टूटेगा तो इस सब्जेक्ट में हमें यही चीज़ पढ़नी है कि कौन सी मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्या बिहेवियर होता है कितना लोड डालने पे वो कैसे वर्क करता है ठीक है उसके बाद लास्ट में आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इसमें भी आपको यही चीज़ बताई गई कि एक मटेरियल कैसे वर्क करता है या उसका बिहेवियर कैसा होता है कितने स्ट्रेस देने पे कितना स्ट्रेन डेवलप होगा कितनी देर बाद उसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी कितने जैसे फर्स्ट होता है आपका इलास्टिसिटी फिर उसके बाद आता है प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी के बाद आता है ईल्डिंग शुरू होती है उसके बाद फिर लास्ट में फ्रैक्चर आता है तो ये सारे टर्म्स जो होते हैं ये स्ट्रेस स्ट्रेन डाइग्राम यान स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आपको वन बाई वन एक्सप्लेन करते हैं ठीक है नेक्स्ट लाइट पर आपके आते हैं अब जैसे इसमें डेफिनेशन है स्ट्रेस स्ट्रेस जो अभी आपने आपको हमने बताया कि फोर्स अप्लाई करा जाए किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे तो वो आपका स्ट्रेस होता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ एनी बॉडी ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज इट्स स्ट्रेस अब जैसा लिखा हुआ है आप देखिए स्ट्रेस इज द फोर्स अप्लाइड टू अ मटेरियल डिवाइडेड बाई अ मटेरियल अक्रॉस अ बॉडी जैसे सिग्मा स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए जीरो लिखा हुआ है तो एफ आपका फोर्स है और उसके बाद स्ट्रेस क्या है आपका इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और इसको पास्कल से भी डिनोट करते हैं ठीक है फोर्स को न्यूटन से डिनोट करते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म लास्ट में लिखा हुआ है ए ओ जो है वो आपका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो वर्ड है ओरिजिनल इसका यहाँ पे क्या मोटिव है ये आप समझिए क्योंकि लोड आ रहा है मान लीजिए इस पर लोड आया तो ये लोड यहाँ पे भी आ रहा है लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जहाँ पर ओरिजिनली वो लोड इम्पैक्ट हो रहा है उस टाइम पे वर्किंग कंडीशन पे उसी को आप क्या कहते हैं ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया तो स्ट्रेस क्या हो गया फोर्स अप्लाइड ऑन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज इट्स स्ट्रेस या एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी कोई फोर्स ठीक है अब फोर्स किसी भी मटेरियल पे सेवरल टाइप्स के होते हैं या वेरियस टाइप्स के होते हैं ठीक है आइए उस पर डिस्कस करते हैं ये देखें जैसे यहाँ अगर बात करें स्ट्रेस की जो आपको फिगर में दिख रहे हैं पहला है बेसिकली ये फ़ाइव टाइप्स के होते हैं फर्स्ट वन इज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस या कंप्रेशन स्ट्रेस भी बोलते हैं इसे सेकंड आपका टेंशन स्ट्रेस होता है टेंशन स्ट्रेस को ही टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं आप थर्ड होता है आपका सीयर स्ट्रेस जो आपको थर्ड फिगर दिख रहा है और उसके बाद फोर्थ होता है टोर्सन इसे ट्विस्टिंग या टॉर्क के कारण ये आता है ये अभी हम डिस्कस करते हैं उसके बाद लास्ट वन होता है फिफ्थ वन होता है बेंडिंग बेसिकली किसी भी मटेरियल्स में जितने एक्सटर्नल फ़ोर्स होते हैं वो यही फाइव होते हैं या ये यही फाइव एक्सटर्नल फ़ोर्स बेसिकली होते हैं आपके इंजीनियरिंग्स में जो कि यूज करे जाते हैं या किसी भी इंजीनियर्स को पता होना चाहिए उसकी क्वालिटीज़ या उसके इम्पैक्ट के बारे में ठीक है क्यों क्योंकि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो आपको ये नहीं पता होगा कि ये कितने दिन चलेगा कितने लोड पे चलेगा कितना वाइब्रेशन वियर कर सकता है कितने देर बाद फ़ेल होगा इन्हीं के बेस पे आप फैक्टर ऑफ सेफ़्टी भी निकालते हैं एक टर्म अभी डिस्कस कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है अभी याद आया फैक्टर ऑफ़ सेफ्टी फैक्टर ऑफ़ सेफ्टी क्या चीज़ होती है अगर बात करें तो फैक्टर ऑफ़ सेफ्टी ये होता है कि, कि किसी भी अगर आप कोई भी कंपोनेंट डेवलप करते हैं तो उसकी फैक्टर ऑफ सेफ़्टी के लिए क्या करना होता है कि वो कितना लोड बियर कर सकता है ठीक है कितना लोड वो बियर कर सकता है अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिफ्ट की बात करें अगर उसमें आपने देखा होगा कहीं पे भी आप ट्रेवल करते हैं आप देखे होंगे लिफ्ट में लिखा रहता है ओनली फॉर एट पैसेंजर अब आठ आदमी के लिए वो लिफ्ट बनी है ठीक अब उसमें आप कभी कभार देखो पैसेंजर आ गए सोलह तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर टू है तो क्या होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर कहीं पर टू लिखा है तो क्या होगा पंद्रह तक तो बियर करेगा मतलब जस्ट डबल तक वो बियर करेगा और अगर 15 से एक भी परसेंट ऊपर हुआ 16 पर पहुंचा, तो फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उसके बाद 16 के बाद वो फेल हो जाएगा ये क्यों दिया जाता है क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है हर इंसान की ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो डिपेंड उसको कोई चेंज नहीं कर सकता फॉर एग्जांपल अगर आप टायर की बात करें अगर आप फोर व्हीलर की बात करें या टू व्हीलर की बात करें उसकी भी अपनी फैक्टर ऑफ़ सेफ़्टी होती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लो लिखा है कि दस हज़ार किलोमीटर चलने के बाद या तीन साल चलने के बाद आप टायर को चेंज करना है लेकिन आपने क्या करा आप या ह्यूमन टेंडेंसी की जो हम बात कर रहे थे वो क्या होता है वो हर पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है अब उस केस में क्या होता है अब पता लगा पाँच हज़ार चल गई अब आपको क्या लग रहा है पैसा लगेगा या हमने तो ज़्यादा दिन चला ही नहीं हमने तो बहुत कम किलोमीटर चलाया लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है फैक्टर ऑफ़ सेफ्टी को भी सेलेक्ट करने के लिए वो हो सकता है टाइम के ऊपर डिपेंड करा आपने प्रॉपर इन्फ्लेशन नहीं दिया प्रॉपर प्रेशर नहीं दिया टायर पे तो उस केस में भी फैक्टर ऑफ़ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है फेल्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अब जैसे डबल है तो हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ़्टी लमसम डबल दिया जाता है अप्रोक्सीमेटली डबल दिया जाता है तो उसके बाद अगर आप उससे राइज करते हैं तो फेल्योर सडनली होगा ही होगा ठीक है अब अपने टॉपिक पे आते हैं कंप्रेशन की बात करते हैं अब ज, अब आप इसमें जैसे डायग्राम में पहला है कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव स्ट्रेस भी कहते हैं इसे ही एक्सटर्नल फोर्स भी कहते हैं ठीक है एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी में कंप्रेसिव लग रहा है तो कंप्रेसिव के केस में क्या होता है फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए ये आपका पेन है और इसमें हमने अपोजिट डायरेक्शन से दोनों सेम डायरेक्शन में इसमें हमने इसको कंप्रेस करा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा अब जब एक्सटर्नल फोर्स इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ डेवलप होगी इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा वही इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कहलाता है आपका स्ट्रेन ठीक है वो क्या कोशिश करेगा कि इसको डिफॉर्म होने में इसको बचाएँ इस डिफ़ॉर्म होने से ये बचे ठीक है तो उसको आप क्या कहते हैं स्ट्रेन अब उस केस में क्या होता है कंप्रेसिव में क्या होता है सेम आपका साइज जो है वो वॉल्यूम वॉल्यूम में उसको कम करने की कोशिश करते हैं अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें तो उसके साइज़ को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जांपल एक कोई बड़ा सा बॉक्स है उसमें आपको कोई चीज रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप क्या करते हैं उसमें या आप अपने घर में आप देखो आप आ, कहीं ट्रेवल करते हैं ट्रेवल बैग लेके करते हैं तो उस केस में आप क्या करते हैं आप अपने कपड़े को उसमें ज़बरदस्ती डालते हैं तो क्या करते हैं उसको कंप्रेस करते हैं ना क्यों कंप्रेस कर रहे हो वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेस क्यों कर रहे हो क्यों क्योंकि उसको जब आप कंप्रेस करोगे तभी तो वो कॉम्पैक्ट क्यों क्योंकि आज की डेट में यही ही आ, आ, एरा है कि चीजों को ऑप्टिमाइज करो जितना कम से कम स्पेस वो ले सके इसका क्या बेनिफिट है जब स्पेस कम लेगा तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये आता है कि आप जो है अच्छे से ट्रेवल कर सकते हो चीजों को लाइट इन वेट होगा वो ले जाने में आसानी होगा या कम जगह पे रखा जा सकता है ठीक है तो कंप्रेसिव फोर्स में क्या होता है आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाते हैं डेफिनेशन इट इज अ फोर्स दैट कॉज अ मटेरियल टू डिफॉर्म तो ऑक्यूपाई smaller volume smaller volume को ऑक्यूपाई करने के लिए जो भी चीज़ें करते हैं वो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाती है ठीक है अब नेक्स्ट फिर से डायग्राम पे आते हैं टेंसाइल के केस में टेंसाइल में क्या होता है आपका जो भी जैसे ये आपका एग्जांपल हम दे रहे हैं टेंसाइल के केस में उसमें सेम डायरेक्शन में लग रहा था इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे हैं ठीक है तो उस केस में क्या होगा जब आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे तो इसको क्या करेगा बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा मतलब क्या हुआ इसमें लॉन्गिट्यूडनल या लेटरल आपका डिफॉर्मेशन होगा ठीक है तो उस डिफॉर्मेशन को क्या कहोगे आप टेंसाइल डिफॉर्मेशन या टॉर्सन इफेक्ट या टॉर्सन डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं आप ठीक है इसका अगर आप देखना चाहें इट मीन्स द मटेरियल इन अंडर टेंसन एंड देट आर द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स ट्राइंग टू स्ट्रेच द मटेरियल ये क्या करता है मटेरियल को स्ट्रेच करने की कोशिश करता है अगर टेंसाइल फोर्स करें तो हमेशा क्या करेगा मटेरियल को स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा ठीक है अब फिर से यह, यहाँ पे आते हैं अब सीयर की बात करते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सीयर स्ट्रेस सीयर स्ट्रेस में क्या होता है आपका प्लेन्स पे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है प्लेन्स पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है ठीक है ये दो प्लेन आपस में स्टिक है अब क्या हुआ एक इस फोर्स एक एक इधर फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में और एक लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अब जब राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और लेफ्ट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये क्या करेगा इसको क्या करेगा प्लेन को स्लिप करने की कोशिश करेगा है. जैसे ही स्लिपिंग करने की कोशिश करता है तो इसके कारण जो स्ट्रेस या जो चीज इसको स्लिप कर, कराती है उसे आप क्या करते हैं सीयर स्ट्रेस सेकेंड इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए इट इज अ फोर्स टेंडिंग टू कॉज डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल बाई स्लिपिंग एलोंग अ प्लेन या पैरल प्लेन टू इम्पोज स्ट्रेस ठीक है अब लास्ट इसके बाद बात करते हैं टॉर्सन की टॉर्सन में क्या होता है ट्विस्टिंग इफेक्ट होता है जैसे सरफेस पे एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज आप नीचे से इसको ट्विस्ट कर रहे हो तो ट्विस्टिंग के कारण या टॉर्क दे रहे हो इसके कारण जो भी डिफॉर्मेशन होगा उसे टोर्सनल डिफॉर्मेशन कहेंगे या डिफेक्ट्स कहेंगे या जो भी चेंजेज आएगा उसे कहेंगे और उसको आप डिनोट करते हैं टॉर्सनल इफेक्ट्स के कारण या टॉर्सनल उससे और लास्ट में आपका है बेंडिंग अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है बेंडिंग बेंडिंग में क्या होता है जैसे मान लीजिए आपकी बीम है दोनों तरफ से वो हिंज है या दोनों तरफ से वो सपोर्टेड है अब सेंटर पे सडनली लोड आ रहा है इसे पॉइंट या कंसनट्रेटिंग लोड कहते हैं किसी एक पॉइंट पर उसके कारण जो भी इम्पैक्ट आता है उसे आप क्या कहते हैं बेंडिंग लोड या बेंडिंग इफेक्ट या बेंडिंग स्ट्रेस या उसके कारण जो भी स्ट्रेन डेवलप होगी उसे बेंडिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कहेंगे ठीक है तो ये पूरा टॉपिक था आपका बेसिक हमने कवर करा स्ट्रेस के बारे में कितने टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं कौन कौन से स्ट्रेस कैसे कैसे बिहेव करते हैं कौन कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करना चाहिए ये मटेरियल सेलेक्ट किस बेस पे करोगे आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कर करोगे ठीक है तो आज का टॉपिक मेरा यहीं आज का सेसन हम यहीं पर क्लोज करते हैं और नेक्स्ट सेसन में हम इनके बिहेवियर के बारे में बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बात करेंगे वो कैसा उसका बिहेवियर होता है या कौन से लोड पे फेल्योर होता है फ्रैक्चर क्या होता है डक्टिलिटी या मेलेबिलिटी uh, क्या चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें हम ब्रीफ में नेक्स्ट सेसन में डिस्कस करते हैं ओके थैंक यू थैंक यू